हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहें। आज इस वीडियो में BSc एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव हैं, पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, संप्रेरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना या विश्वास का हस्ताक्षर या वाक्य किसका है? तो डेल एस ब्रिज का ये वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो कीथ डेविस का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावों के विनिमय है या कथन किसका है? तो न्यूमैन एवं समर का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय के लिए संदेशवाहक का उतना ही महत्व होता है जितना कि एक व्यक्ति के लिए रक्त संचार का है या कथन किसका है? कीप डेविस का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय कार्यों की सफलता प्रभावी संप्रेषण पर निर्भर करते हैं तथा यह कथन किसका है? तो थियो हेमन का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण क्या है? तो यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है तथा यह सतत प्रक्रिया होती है या द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण है तो कला एवं विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का आवश्यक तत्व है तो संदेश व्याख्या अथवा लेखक, संदेश प्राप्त करने वाला, संदेश प्राप्त करते की प्रतियुष्टि। किस संस्कृति में हाथ मिलाना एक लंबी प्रक्रिया है? तो स्पेन की यह लंबी प्रक्रिया होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के संबंध हैं तो यह एक सतत प्रक्रिया होती है। संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार होते हैं तो दो पक्षकार होते हैं, एक तो स्वयं होगा, एक दूसरा होगा कोई व्यक्ति। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व होते हैं तो कुल 7 तत्व होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के तत्व होते हैं संदेश, माध्यम, प्रापक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में कही गई अभिव्यक्ति को कहते हैं? तो प्रतिपुष्टि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपुष्टि की जाती है तो संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रतिपुष्टि हो सकती है तो लिखित, मौखिक, शाब्दिक, अशाब्दिक तथा सांकेतिक हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संप्रेषण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। संदेश वाहक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक संप्रेषण का उद्देश्य है तो नीतियों एवं योजनाओं का संगठित क्रियान्वयन, कार्य एवं कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण, संगठन के कर्मचारियों के माध्यम से मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण, ये होते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य संप्रेषण का उद्देश्य है तो ग्राहकों की अभिरुचि का ज्ञान, आपूर्तिदाताओं से मधुर संबंध होना, बीमा, बैंक, परिवहन एवं सहकारी कार्यालयों से संपर्क, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उद्देश्य होते हैं। संप्रेषण का समरूप हो सकता है तो लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संदेश वाहक का माध्यम है तो ईमेल होता है, वो संदेश वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण का माध्यम है तो परिपत्र, परिवेदन, ज्ञापन, ये तीनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक संप्रेषण का माध्यम है तो आमने सामने वार्तालाप, भाषण, सामूहिक समावाद। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौखिक संदेश वाहक का माध्यम है तो टेलीफोन, सेमिनार, समूह गोष्ठी, गोष्ठी। मौखिक संप्रेषण का गुण है तो शीघ्र संप्रेषण, अभिलंब प्रतिपुष्टि, प्रभावपूर्ण, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस जे बर्निन ने प्रभावी मौखिक संप्रेषण को कितने तत्व बताए थे तो उन्होंने 7 तत्व बताए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण होते हैं तो स्पष्ट, पूर्ण, संक्षिप्त, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत है तो समीक्षता, उद्देश्य पारक, द्विमार्गी, ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार अवरोध संबंधित हो सकता है तो भौतिक, भाषा संबंधित, भावनाओं से संबंधित, ये सभी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में शाब्दिक बाधाएं संबंधित हैं तो शब्दों के साथ जुड़े अर्थ का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है तो शब्दार्थ अवरोध से होता है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, संप्रेषण के प्रति अनिष्ठा एक प्रकार है तो व्यक्तिगत बाधाओं का प्रकार है। प्रतिष्ठापात्मक संबंध संबंधित है तो संगठनात्मक अवरोध से संबंधित होता है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, संप्रेषण के वे सभी माध्यम शाब्दिक संप्रेषण में शामिल होते हैं जो ना तो लिखित होते हैं ना ही मौलिक शब्दों में व्यक्त होते हैं, यह परिभाषा है तो रेमांड तथा जॉन की ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है तो शारीरिक भाषा, भाषा प्रतिरूप, सांकेतिक भाषा, ये सभी होती हैं। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं तो चिन्ह, संकेत और सूचित चिन्ह होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि संकेत भाषा कहते हैं तो श्रव्य संकेत भाषा को कहते हैं। दृश्य संकेत भाषा में शामिल होते हैं तो रेखाचित्र, पोस्टर, कार्टून, ये सभी होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व भाषा का भाग है तो आवाज, उच्चावचन, शब्द दाब, ये सभी होते हैं पार्श्व भाषा के भाग। लाल रंग दर्शाता है तो उत्तेजना को दर्शाता है। शारीरिक भाषा का स्वरूप है तो चुप्पी होता है। चेहरा आईना है तो मस्तिष्क होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत भाषा होती है तो विद्युत घंटी होती है, वो संकेत भाषा होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।